कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं, 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। भारत में कोविड 19 से बचाव के लिए जारी टीकाकरण के तहत दी गई खुराकों की संख्या 100 करोड़ के पार पहुंच गई है। भारत ने गुरुवार को ये उपलब्धि हासिल की। भारत में कोविड टीकाकरण के तहत 100 करोड़ खुराक दिए जाने का जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। देश में अब तक करीब 75% वयस्कों को टीके की कम से कम एक खुराक लग चुकी है, जबकि 31% आबादी को दोनों खुराक लग चुकी है। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी कुछ देर पहले ही मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक वैक्सीन सेंटर से होकर के आया हूं। एक उत्साह है और दायित्व बोध भी है कि हमें मिलकर कोरोना को जल्द से जल्द हराना है। मैं प्रत्येक भारतवासी को बधाई देता हूं, 100 करोड़ वैक्सीन डोज की ये सफलता प्रत्येक भारतीय को अर्पित करता हूं। भारत में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले इसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया, इसके बाद 60 की उम्र से ज्यादा और फिर 45 साल की उम्र से ज्यादा के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फिलहाल देश में 18 साल से अधिक के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाने का मिशन जारी है। अभी तक भारत के अलावा केवल चीन ही ऐसा देश है जहां 100 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी गई है। चीन की आबादी भी 1 अरब से अधिक है। चीन ने जून में टीके की 1 बिलियन खुराक का आंकड़ा पार किया था। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 100 करोड़ टीके की खुराकों पर फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स को बधाई दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ही भारत ने 100 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने की बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन के तौर पर दर्ज होगा। हमने 100 करोड़ वैक्सीन सिर्फ 9 महीने में लगाए। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं अपने हेल्थ कर्मियों और नागरिकों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। भारत में कोविड टीके की 100 करोड़ खुराक पर आयोजित कार्यक्रम के तहत आज लाल किले पर देश के सबसे बड़े खादी के तिरंगे को प्रदर्शित किया गया है। इसका वजन करीब 1400 किलोग्राम है। यह तिरंगा 225 फीट लंबा होने के साथ ही 150 फीट चौड़ा है। ये तिरंगा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर लेह में भी फहराया गया था। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।